सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कैसे आप किसी भी वीडियो को इस टाइप का HD या CC वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी इन शॉर्ट एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए यार, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस, अगर आपके फोन में इनशॉट एप्लीकेशन नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाने जो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा मेरा इनशॉट एप्लीकेशन का लिंक, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड अब क्या करना, इनशॉट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मेरा वीडियो यहाँ पर देख सकते हो ऐड हो चुका है। तो डेमो के लिए हम 6 सेकंड का ही वीडियो को ऐड किया हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेरा वीडियो सेव हो, ठीक है। तो वीडियो ऐड करने के बाद अब क्या करना, आपको वीडियो का जो रेशियो सबसे पहले आपको चेंज कर लेना है 9:16 वाले रेशियो में कर लेना है। उसके लिए कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, इसके ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारे रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको 9:16 वाले रेशियो को ही आपको क्लिक करना है एंड आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है सबसे पहले रेशियो। एंड अब क्या करना, आपको HDR CC वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को ब्लर करना है। तो ब्लर करने के लिए ऊपर में आपको बहुत सारा टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो तो ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको 3 नंबर वाला जो ब्लर है इसमें आपको क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और ये वीडियो को आपको नीचे कर लेना है कुछ इस तरह से, एकदम आपको नीचे, एंड आपको टिक कर लेना है एंड इस वीडियो को अब आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को सबसे पहले आपको सेव करना है। तो वीडियो सेव हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको बैक वाला एरो मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बैक आ जाना है। उसके बाद अब क्या करना, इस वीडियो को आपको नॉर्मल करना है जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उंडो वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उंडो कर लेना है, तो वीडियो जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ओके। इतना करने के बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे अब आपको ब्लर वाला वीडियो को ऐड करना है जो अभी सेव किए हैं। तो PIP वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ब्लर वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। और ऊपर में आपको बहुत सारा टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से एंड इसका जो ऑपेसिटी है आपको यहाँ पे हल्का सा घटा लेना है, ठीक है, लाइक इतना रख लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कुछ इस तरह से HDR इफेक्ट में आ चुका है, तो इतना आपको रख लेना है ऑपेसिटी एंड आपको टिक कर लेना है कुछ इस तरह से, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे HDR इफेक्ट मेरा वीडियो में ऐड हो चुका है, लेकिन वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस कम है। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे क्या करना है, PIP वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फोटो वाला ऑप्शन जाकर एक व्हाइट इफेक्ट इमेज ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन पर कर लेना है कुछ इस तरह से, और ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओवरले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका जो ऑपेसिटी है हल्का सा आपको घटा लेना है, अप्रोक्स इतना रख लेना है 70 या फिर 80 में, एंड आपको टिक कर लेना है कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कुछ इस तरह से मेरा ब्राइटनेस ऐड हो चुका है, ठीक है। आफ्टर देख सकते हो यहाँ पे और बिफोर देख सकते हो ये वाला, ठीक है। इतना कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है, ठीक है। एंड अब क्या करना, यहाँ पे हल्का सा वीडियो को एडजस्टमेंट कर लेना है। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाना है और टिंट वाला ऑप्शन में जाकर सबसे पहले टिंट को हल्का सा बढ़ा लेना है, अप्रोक्स 15 या फिर 20 में कर लेना है कुछ इस तरह से। सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा लेना है, इतना रख लेना है, 10 या फिर 20 में कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हल्का सा स्लाइड करना है, कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला कलर को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है एंड आपको लास्ट वाला कलर को बढ़ा लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है एंड यहाँ पे शार्पन वाला ऑप्शन मिलेगा, शार्पन को एकदम 100 कर लेना है, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा हो चुका है एंड अगेन आपको टिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो कुछ इस तरह से एडिटिंग होके रेडी हो चुका है एकदम, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे और इफेक्ट ऐड करना है, तो वो सब इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ। तो ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो जैसे सेव हो जाएगा आपको क्या करना है, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है।
तो देख सकते मैंने यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे में प्लस आइकन मिलेगा, क्लिक करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को ऐड करना है। तो नीचे में प्लस आइकन मिलेगा, क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन जाना है और इस वीडियो को आपको ऐड कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक इफेक्ट ऐड करना है। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और नीचे में यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है चैनल रैंप, ठीक है। देख सकते ये वाला इफेक्ट चैनल रैंप, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है कुछ इस तरह से, और बी वाला जो लाइन है देख सकते यहाँ पे बी वाला लाइन, इसको करना है जी में, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो में सैचुरेशन भी ऐड करना है। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और सर्च वाले आइकन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सैचुरेशन, ठीक है। इस तरह से सैचुरेशन सर्च कर लेना है और फर्स्ट पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसको करना है 21 या फिर 20% में कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड अब क्या करना है आपको, बैक। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो कुछ इस तरह से एकदम बन के रेडी हो चुका है कंप्लीट। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक भी कर लेना और चैनल पे नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। एंड अभी क्या करना है आपको, इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, ऊपर में ये जो आइकन मिलेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वीडियो को करना है एक्सपोर्ट, मतलब सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होने स्टार्ट हो चुका है। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।